नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूँ प्रीति सिंह। मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आपके सामने हम राज्यसभा के 251वें सत्र में पूछे जा रहे सवालों को लेकर आ रहे हैं, और ये जो सवाल है वो आतंकित प्रश्न है जिनका जवाब लिखित रूप में दिया जा रहा है। मंत्रालयवार विभागवार हम प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, और आज जिस मंत्रालय से सवाल हम शामिल कर रहे हैं अपने अंक पे, वो है संस्कृति मंत्रालय। इससे जुड़े सवालों को आज हम ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो अरविंद जी संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वो है भारतीय संस्कृति संस्थान की स्थापना। इसे लेकर जानकारी मांगी अखिलेश प्रसाद सिंह ने, तो इसमें क्या उत्तर मिला है बताइए। ये अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो है तीन हिस्सों में सवाल पूछा है, और जानना चाहा है कि क्या जो संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चर मिनिस्ट्री है, वो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय संस्कृति संस्थान की स्थापना करने की योजना बना रही है। अगर हाँ तो उसका विवरण क्या है, क्या कोई जनता से भी सुझाव लिया गया है, ये पूछा है, और ये जो संस्था है कब तक शुरू की जाएगी। जवाब इसका प्रहलाद सिंह पटेल जी ने दिया है, जो कि संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। ये इन्होंने जवाब दिया है कि जो केंद्रीय बजट 2020 है उसमें ये घोषणा की गई थी कि जो घोषणा की गई थी उसका अनुसरण करते हुए जो संस्कृति मंत्रालय है वो देश में जो कल्चर का है उसके क्षेत्र में जो हायर एजुकेशन है, उच्चतर शिक्षा है, रिसर्च है और ट्रेनिंग, इन सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इसका जो रूपरेखा है उसके तैयार करने के स्तर पर है, यानी भी कुछ समय लगेगा, और पूरा एक विस्तृत इसका जो है एक आयोजना तैयार की जा रही है। अगला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है नरेंद्र कुमार स्वयं जी का, क्योंकि ये जगन्नाथपुरी जी का मंदिर, जो श्री जगन्नाथपुरी मंदिर जिनको हम बोलते हैं, जिसको वो अपने आप में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बीच में मैंने देखा कि 90 के दशक में भी इसने काफ़ी इसमें से एक पत्थर गिर गया था, और ये अपने आप में एक प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ जो है एक हमारी बहुत गौरवशाली धरोहर भी है। इसका संरक्षण हो, ये लोग चिंतित रहते हैं इसको लेकर के, इसके संरक्षण को लेकर जो स्वयं साहब ने सवाल पूछा, क्या जवाब इसमें? जी, स्वयं जी ने पूछा है कि क्या मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के जगमोहना के संरक्षण कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है, क्योंकि पुरी में स्थित ये मंदिर वर्ष 1975 से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत केंद्र द्वारा एक संरक्षित स्मारक है, और ये देश के लिए महत्वपूर्ण जागृत तीर्थ स्थान भी है। उत्तर में यहाँ उन्होंने जानकारी दी है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने कि श्री जगन्नाथपुरी सहित जो भी संरक्षित स्मारक हैं उनके संरक्षण का काम एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलता रहता है, जिसमें अलग अलग स्थलों की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नियमित रूप से आवश्यक संरक्षण कार्य किया जाता है, और ये किया जा रहा है जगन्नाथपुरी में भी। मंदिर के जगनमोहन को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया था, ये जानकारी उन्होंने दी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगातार देखभाल हो रही है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की भी, और इसमें बताया गया है कि देखभाल करने के कारण जो श्री जगन्नाथ मंदिर है वो प्रिजर्वेशन की एक तरह से गुड स्टेट में है, यानी भली भांति परिरक्षित है, ये इन्होंने जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसके आगे जो संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा सवाल है वो है अरविंद जी, यवतमाल में सत्याग्रह संग्रहालय, ये काफ़ी रोचक प्रश्न है, राकेश सिन्हा जी ने जानकारी मांगी, तो क्या उत्तर मिला? हाँ जी बिल्कुल प्रीति, राकेश सिन्हा जी जो कि हमारे राज्यसभा के मनोनीत सांसद हैं, वो कई महत्वपूर्ण जानकारियों को मांगते रहते हैं। हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं वो, और ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार से ये जानना चाहा है कि 1930 में महाराष्ट्र में डॉक्टर के बी हेडगेवार के नेतृत्व में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ वन सत्याग्रह की शुरुआत यवतमाल से की गई थी, और उसे भारतीय राष्ट्रवादियों से व्यापक समर्थन मिला था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनर्जीवित हो गया था। उन्होंने पूछा क्या सरकार की जानकारी में बातें हैं, और ये भी पूछा क्या सरकार उस सत्याग्रह की प्रेरक स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए वहाँ सत्याग्रह संग्रहालय बनाने की कोई योजना बना रही है, और ये भी पूछा कि क्या जो है सरकार स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति को जीवित करने के लिए चंपारण, महाराष्ट्र में चिमूर समेत अन्य सत्याग्रह स्थलों का विकास करेगी। ये तीन हिस्सों में जो सवाल पूछा गया है प्रीति, इसका जवाब बड़ा महत्वपूर्ण जवाब भी जो दिया है इसमें,
ये जवाब जो दिया है वो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के हवाले से दिया गया, लेकिन यहाँ मैं अपने जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो यवतमाल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर है भारत का, महाराष्ट्र में आता है और विदर्भ के इलाके में है, और एक दौर से ये कपास का सबसे अधिक उत्पादक है और कॉटन सिटी के रूप में विख्यात है। और इसमें ये कहा है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने कि जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है जिसको हम ICHR कहते हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वन सत्याग्रह 1930 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसमें 21 लोग शहीद हुए थे। एक तो विवरण ये दिया है, और जो बाकी पूछा है उन्होंने अलग अलग कि क्या कोई ऐसा संग्रहालय बनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये देखिए कि इस तरह के भी जो जवाब दिए जाते हैं तो एक तरह से आश्वासन सरकार इसमें सीधे सीधे नहीं देती, इसलिए ये कहा गया कि फिलहाल इस पर कोई प्रस्ताव विचार नहीं किया जा, हो सकता है कि आने वाले समय में इनमें से कोई संग्रहालय सरकार स्वीकार कर ले। तो अगला जो सवाल है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण जो धरोहरें हैं, ताजमहल से लेकर के कुतुब मीनार तक और इसके अलावा अजंता एलोरा तक, ये सारे जो है इनका संरक्षण का काम कर रहे हैं। इसमें रिक्तियों को लेकर के कुमारी शैलजा का सवाल है, क्या जवाब इसमें प्रीति जी? यहाँ जो कुमारी शैलजा जी ने चार भागों में प्रश्न पूछा, उन्होंने जानकारी मांगी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में श्रेणीवार रिक्तियों का ब्यौरा क्या है, सरकार द्वारा इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की योजना है, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अधिक पदों का सृजन करने की कोई योजना है, ब्यौरा क्या है, अगर है तो उसका ब्यौरा, नहीं है तो कारण क्या है। जो उत्तर मिला है वो ये है कि श्रेणीवार जो रिक्तियों का ब्यौरा दिया है वो दिया गया है। समूह का की जो रिक्ति है वो स्वीकृत पद हैं इसमें 233। जो रिक्त पदों की जानकारी मांगी है 96 ऐसे हैं जो ग्रुप ए श्रेणी में वैकेंट है यानी रिक्त हैं। समूह खा राजपत्रित यानी ग्रुप बी गैजेटेड जो हैं उसमें रिक्त पद अभी 19 हैं, इनमें स्वीकृत 141 हैं और भरे हुए 122 यानी 19 रिक्त पद हैं। अब जो यहाँ पर आता है ग्रुप बी नॉन गैजेटेड यानी समूह खा अराजपत्रित, वो 259 रिक्त पद हैं अभी, 703 में से 444 भरे हुए हैं और 259 खाली हैं। इसके आगे अब दूसरा समूह ग्रुप सी आता है, समूह का 1197 स्वीकृत में से 829 भरे हुए हैं जबकि 368 अभी रिक्त हैं। साथ ही जो ग्रुप सी में MTS श्रेणी है उसमें 6152 स्वीकृत पद में से 4444 भरे हुए हैं, इसमें 1708 अभी भी रिक्त पद हैं। कुल अगर देखें तो कुल संख्या आ जाती है रिक्त पदों की 2450, 8426 में से 5976 भरे हुए हैं और 2450 खाली हैं जी। आगे इन्होंने बताया कि जब पद रिक्त होते हैं तो भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भर्ती कोटा के तहत आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें वो आयोजित की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को अनुरोध भेजने जैसे समय समय पर कार्रवाई की जाती है की गई है और इन एजेंसियों से मामले को उठाया भी जाता है तत्परता से भरने के लिए कहा जाता है, और पदों के सृजन के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव है जिसका ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, यानी पदों का और सृजन करने के लिए भी प्रस्ताव है जिसे अंतिम रूप दिया जाना है अभी, ये जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। आगे जो प्रश्न है अरविंद जी वो है मंत्रालय के तहत नई योजना का क्रियान्वयन, डॉक्टर विनय पी सहस्रबुद्धे जी ने ये प्रश्न पूछा है, इसमें क्या उत्तर मिला है? बिल्कुल, डॉक्टर सहस्रबुद्धे भी कई बार बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं और वो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके बारे में सामान्यतया लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, और पिछले बार पूरा उन्होंने एक पूरा विवरण, मुकदमेबाजी का भी एक पूरा विवरण मांगा अलग अलग मंत्रालयों में, और बहुत सारे ऐसे रोचक सवालों में से एक ये भी है कि मंत्रालय में उन्होंने पूछा कि जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनमें जो कार्यान्वित किया गया है उनका विवरण मांगा है उन्होंने, पूर्व में जो कार्यान्वित ऐसी योजनाएँ कौन कौन सी हैं जिनको अब संशोधित कर दिया गया है, रिवाइज किया गया है, और संशोधन का विवरण मांगा है, और पूछा कि जो ये योजनाएं इनमें जो संशोधन किए गए उनका क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी विस्तृत सवाल है। जवाब प्रहलाद सिंह पटेल ने दिया है और उन्होंने कहा कि जो दो नई स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं उनमें से एक है सेवा भोज योजना और दूसरा है संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता, दो योजनाएँ हैं ये। तो इसमें जो सेवा भोज योजना है उसमें जो धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान हैं
उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली है ये योजना। और इसके तहत ये जो केंद्रीय क्षेत्र में जो ये स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसके तहत मंदिर हैं, गुरुद्वारे, धार्मिक आश्रम, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, मठ, बौद्ध मठ, ये सब जगहों पर इनके जो धार्मिक संस्थान हैं उनके द्वारा विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर भुगतान किए गए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर और केंद्र सरकार के जो जिसको बोलते हैं IGST, इनकी हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में की जाएगी। यानी जो टैक्सेशन है जो लगता हुआ, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए ये योजना है। और इसका दावा करने वाले जो संस्थान है, कम से कम पिछले 3 सालों में से 1 कैलेंडर माह में कम से कम 5,000 व्यक्तियों को प्रसाद, लंगर, भंडारा यानी सामुदायिक रसोई के रूप में मुफ्त भोजन वितरित कर रहे हों। यानी आप देख रहे हो कि इसका कैनवास भी काफ़ी व्यापक है, ये लंगर वगैरह में भी ये योजना जो है ये कारगर है। तो उसके अलावा दूसरी जो योजना 15 अक्टूबर 2018 से आरंभ की गई है, और इसमें जो एक विवरण दिया गया है अलग अलग, उसमें पूछा है कि अलग अलग दिया है कि जिनमें विलय किया गया है योजनाओं का और कार्यान्वित की जा रही योजनाएँ, भारत महोत्सव स्कीम और भारत विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों को सहायता अनुदान, ये मर्ज करके एक योजना बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध संवर्धन हेतु स्कीम 2017 में। कुछ और योजनाओं को विलय करके संग्रहालय अनुदान स्कीम भी 2017 में बनाई गई है, और एक और है विज्ञान सहार स्कीम, और एक दूसरी स्कीम उसको विज्ञान की संस्कृति के संवर्धन हेतु स्कीम, ये 2017 में तीनों योजनाएँ बनाई गई। और इससे सरकार का ये कहना है कि कार्यान्वयन काफ़ी सरल हो गया है। और अब आखिरी में प्रीति जी, ये समय भी हमारा समाप्त हो गया है हमारा जी समय पूरा हो गया अंक है आज के अंक का, और आज हमने संस्कृति मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया है अपने इस अंक में। अगले अंक में किसी और विभाग और मंत्रालय से जुड़े जरूरी प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे और अरविंद जी को इजाजत दीजिए, नमस्कार।